उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बाहर तिरंगा पिछले कई दिनों से मेला कुचेला और फटा हुआ लहरा रहा है। इस पर सोमवार को राष्ट्रीय सनातन एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैभव चाष्टा की नजर पड़ी। उन्होंने इस नजारे को अपने मोबाइल में कैद कर उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन राम देवड़ा को मेल किया। इस पर कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए इस तिरंगे को चेंज करवाया। मंच के अध्यक्ष ने बताया कि वो पिछले 10-12 दिन पहले भी यूनिवर्सिटी आए थे, तभी भी इस तिरंगे की ही हालत थी, तब उन्होंने सोचा कि इसको बदल दिया जाएगा। लेकिन सोमवार को फिर से वो यूनिवर्सिटी में किसी काम से गए, तब उनकी नज़र इस पर फिर पड़ी और उन्हें इस हालत में नजर आया तो उन्होंने इसका अपमान सहन नहीं किया और जिला कलेक्टर को इसकी शिकायत की। साथ ही तिरंगे की शान पर लापरवाही बरतने वाले यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भी कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय सनातन एकता मंच द्वारा काफी बार जो शिकायत हमको आ रही थी कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में फटा हुआ और मेला कुचला ध्वज लहराया जा रहा है, उस संदर्भ में मैंने स्वयं ने आज मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का विजिट किया और यह पाया कि सचमुच में वहाँ पे जो राष्ट्रीय ध्वज लहराया जा रहा है वो फटा हुआ भी है और बहुत ही मेला और कुचला है। तो ये जान के बहुत दुख हुआ क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है और बहुत सारे प्रोटोकॉल उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में इतने दिन से फटा हुआ राष्ट्रीय ध्वज लहराया जा रहा है, परंतु मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के प्रशासन को और वहाँ के डीन को वीसी को इस बात की कोई संज्ञान में जानकारी नहीं है। तो इस संदर्भ में राष्ट्रीय सनातन एकता मंच द्वारा आज हमने एक शिकायत उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन राम देवड़ा जी को दर्ज कराई है ईमेल के द्वारा और साथ में हमने फ़ोन करके भी मैंने स्वयं चेतन राम देवड़ा जी कलेक्टर साहब से बात की है और उन्हें शिकायत के बारे में उनसे त्वरित कार्रवाई की मांग की है और माननीय कलेक्टर साहब ने तुरंत इस पे कार्रवाई कराने का हमको आश्वासन भी दिया है और बहुत उम्मीद है कि ये कार्रवाई बहुत जल्दी हो जाएगी। पर हम लोग ये बोलते हैं कि जिस तरह से ये मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में प्रशासन सोया हुआ है और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता जा रहा है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं।